हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कलाभूमि आर्ट्स में। मैं असगर अली, फाउंडर ऑफ कलाभूमि आर्ट्स। दोस्तों देखिए, आपने बिजनेस तो आपने सुने होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना करियर जो डिज़ाइन करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से जो है रूबरू कराना चाहूँगा, जो कि बिजनेस क्लास से हैं, बीबीए कर रहे हैं, और मे बी आर्ट और म्यूजिक, थिएटर, देन एवरीथिंग, जिसे कहते हैं ना कि अपने ड्रीम्स के लिए एज ए प्रोफेशनली इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने काफ़ी ट्रीट किया है, देखा है, सीखा है। आइए सीधे उनसे बात कराते हैं। सबसे पहले मैम, आपका नाम? ख्याति। ख्याति, प्लीज मैम थोड़ा सेल्फ, आपका जो इंट्रोडक्शन। मैं थर्ड ईयर बीबीए कर रही हूँ बैंगलोर से, एंड दिल्ली बेस्ड हूँ, द्वारका में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। बस पेंटिंग एक हॉबी थी जिसको मैंने सोचा एक बार प्रोफेशनली सीख के थोड़ा मतलब टेक्निक्स सीख लूँ। मैं पेंटिंग के घर पे तो करा ही है, बाकी मैंने सोचा एक बार इंस्टीट्यूट में टीचर्स से प्रोफेशनल सीख लूँ एक बार। तो मैम थोड़ा सा ये जानना कि एक्चुअली स्कूल लाइफ के बाद आप जब आपने बीबीए का प्लान किया, तो पढ़ाई के साथ साथ में सिर्फ ऐसे, जैसे कि मुझे शायद आपसे थोड़ा बात करने पे जो आइडिया मिल रहा है कि आप एक्टिविटीज में काफी आप मतलब इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्या क्या एक्सपीरियंस था प्लीज? एक होता है कि इतना आप बिजी रहते हो कॉलेज में, उसके बाद आपको कॉलेज में भी टाइम नहीं मिलता, घर आके थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए आपको चाहिए होता है कि आप कुछ और चीज में इंडल्ज रहो अकेडमिक से थोड़ा हटके। तो मैंने हर चीज करी है, डांस, थिएटर, स्पोर्ट्स, पेंटिंग भी करी है, सब कुछ प्रोफेशनली सीखा भी है। तो मैंने सोचा इस बार पेंटिंग भी प्रोफेशनली सीख लेती हूँ। एक थोड़ा घर पे हेल्प हो जाती है, जब मैं जैसे कॉलेज जाऊंगी फिर घर आके खुद पेंटिंग करती हूँ, तो यहाँ से सीखने के बाद अब जो मैंने नई टेक्निक सीखी है वो भी अप्लाई करूंगी। तो वो एक पीस ऑफ माइंड के लिए ये सब करना पड़ता है। मार्केटिंग में यू हैव टू डिजाइन, आपको आना चाहिए ड्राइंग एंड थोड़ा आर्टिस्टिक। आपका अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं होगा, आर्टिस्टिक माइंड नहीं होगा, तो आप वो चीजें अपने मार्केटिंग में लगा ही नहीं पाएंगे। मार्केटिंग में जाने के लिए एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे। उसके लिए आपको आर्टिस्टिक भी होना चाहिए। डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, कोई पोस्टर्स बनाता है, कोई एड्स को डिजाइन करता है, कोई एडिटिंग करता है। आप उन सबको तभी कर सकते हो जब आपको, अब जैसे किसी को पोस्टर बनाना है, अगर उनको ये समझ नहीं आएगा कि रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इज बेटर देन कोई और, तो वो वैसे समझ आएगा ही। इसी तरीके से अगर आप सीखते हो कि कौन सी चीज इतनी ज्यादा, कौन से कलर कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव लगेंगे, किस तरीके से लिखो कि वो बोल्ड में दिखे, और किस कलर से लिखो, ये सब चीजें आर्टिस्टिक ही है तो आनी चाहिए। सारे डिफरेंट हैं, कोई किसी चीज में जाता है, कोई एनालिटिक्स में जाता है, कोई रिसर्च में जाता है। मेरे को पर्सनली डिजाइनिंग में जाना है मार्केटिंग के, तो मेरे लिए एक हेल्पिंग हैंड भी है। अच्छा, कुछ यूजर्स ये भी जो है जाना चाहते हैं कि सैलरी का स्टार्टिंग पीरियड क्या रहता है, देन कहाँ तक आप अप्रोच कर सकते हैं सैलरी? डिफरेंट है आपका डिफरेंट। अगर आप एनालिटिक्स में हैं तो आपका डिफरेंट होगा, अगर आप डिजाइनिंग में हैं तो थोड़ा आपका बेटर होगा, बिकॉज उसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट, एंड देन आपका क्रिएटिव माइंड लगना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो डिफरेंट है, मगर है लाइक गुड अमाउंट ऑफ पैकेजेस भी होते हैं। लाइफ में जो लोग ये सोच रखते हैं कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और मेडिकल, और क्रिएटिव की जब बात आती है तो वहां पर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मतलब हॉबी एज ए ठीक है, बट बाय प्रोफेशन, तो वो कहाँ तक आप, आपके इसमें क्या राय है? आई फील प्रोफेशनली अगर इस किसी ऐसे फील्ड में जाना है, आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, थिएटर, एथलेटिक्स या जो भी, उसके लिए बच्चे को बचपन से करना चाहिए। क्योंकि आप सडनली व्हेन यू हैव टू चूज अ करियर, आप 12th में होते हो जब आपको बोलते हैं कि करियर, 12th में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं क्रिकेटर बनना है या मेरे को एक्टिंग करना है। वो बचपन से ही या तो पेरेंट्स उनको क्लासेस ज्वाइन करवाएं ताकि उनका इंटरेस्ट हो। एज ए इंडियन मेंटलिटी अगर हम देखें, तो आपको लगता है कि अब थोड़ा सा जनरेशन चेंज हो रहा है, मतलब हाँ अब हो रहा है, क्योंकि अब मतलब मेरे अपने फ्रेंड्स भी हैं जो मैंने देखे हैं, जो 99% 97% लाते हैं बोर्ड्स में, एंड दे आर चूजिंग ह्यूमैनिटीज क्योंकि उनको आर्ट फील्ड में जाना है या उनको कुछ ऐसा करना है। तो मैं उनको खुद कहती हूँ, यार तू तो साइंस ले सकती है कि वो 97 पे साइंस छोड़ रही है, चीज़ है मैं वो करना ही नहीं ना, वो मैं क्यों फालतू में 2 साल साइंस लूँ, मैं उसी फील्ड में जाऊंगी। या मतलब वो लोग अपने मेन सब्जेक्ट्स को हटा के, आजकल तो स्कूल्स में भी दे आर प्रमोटिंग सब्जेक्ट्स, सीबीएसई ने जो चेंज करा है उसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स भी आर्ट एंड क्राफ्ट,
थिएटर एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोग बच्चे ले रहे हैं वो चीज। कोविड के बाद तो वैसे ही सबने समझ लिया है कि व्हाइट कॉलर जॉब को भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अपना खुद करो जो करना है। लेकिन दोस्तों ये कोविड की जो मैंने अभी बात कही, मैं बहुत मतलब एक पर्सनली थोड़ा सा होके मैं आपसे एक बात मतलब अपने जो देखने वाले चैनल से जो यूजर्स हैं उनसे एक बार जो है पूछना चाहूंगा कि अगर जॉब में इतनी जिसे कहते हैं श्योरिटी और सिक्योरिटी और सेफली अगर पैनल होता तो लोग बेघर ना होते। कोविड के बाद तो जो फेसिंग हुआ है वो ये हुआ है कि कुछ भी हो वो अपना होना चाहिए, राइट। अगर आप कुछ भी अगर ऐसा काम करते हैं जो कि आपका खुद का आपका हॉबी है और आपका प्रोफेशन अगर वो बन गया है और वहाँ से कुछ आपको जो अमाउंट आपको मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मान लीजिए आपको एक पीस आपने जनरेट कर लिया लाइफ में। बैचलर्स या मास्टर्स से पहले अगर बात करें, अगर फाउंडेशन की क्या जरूरत होती है कि फाउंडेशन अगर बच्चे को पहले से मिल जाए किसी भी स्ट्रीम का तो आगे क्या हेल्प होता है लाइफ में। फाउंडेशन एक क्रिएट करने के लिए तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन में कुछ भी एक्टिविटी में नहीं डालेंगे, डांस में या थिएटर में या पेंटिंग में, तो बच्चे का फिर इंटरेस्ट उसमें आएगा ही नहीं। सडनली ट्वेल्थ में जाके वो खुद से तो पेंटिंग नहीं लेगा, वो फिर उसको अकेडमिकली ही कुछ लेना पड़ेगा। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर वो प्रमोट करेंगे इस चीज को तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और तभी वो एज अ करियर ऑप्शन इस चीज को देखेंगे। प्रोफेशनल टीचर्स हैं, इतना अच्छा स्टाफ है, इतना हेल्प, एकदम पर्सनल था कि मेरे को अगर कोई डाउट है तो इमिजिएटली वो आके समझा देंगे, ऐसा नहीं कि लटका देंगे कि आप बाद में करेंगे। इमिजिएट अटेंशन मिली, जो सीखना था टेक्निक्स इतनी नहीं पता चली, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हर स्ट्रोक के लिए ब्रश अलग पकड़ना होता है, हर चीज का अलग टेक्निक थी। वर्थ इट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे थे सब। बहुत बढ़िया, मेरी यही कोशिश होगी कि आपसे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से जो है रूबरू कराया जाए। मेरी बहुत कुछ है बात करने को ना, कि बीबीए कर रहे हैं, बेंगलोर में शिफ्ट हैं, स्टडी दिल्ली में किया है और काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं और इतना एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं थिंकिंग, जिसे कहते हैं कि आप एक जो प्राउडली आप कह सकते हैं कि आपने आर्ट और म्यूजिक और इस फाइन आर्ट चीज़ें और इन जो क्रिएटिव दुनिया में आपने चीज़ों को इन्जॉय किया है, राइट। टाइम है आपके पास तो दोस्तों ज़िंदगी जी लीजिए, राइट। कुछ ऐसा कर लीजिए जो आपका मन है बनाने का, करने का, सीखने का, और बस मतलब पीस लगेगा क्योंकि लाइफ देखो भाग रही है, चल रही है, दौड़ रही है, लोग एक दूसरे के पीछे मतलब देखे तो दिनों का, समय का, चीज़ों का पता नहीं चल रहा है, तो क्यों ना अपने लिए समय निकाला जाए। तो कलाभूमि आपका स्वागत करता है फाउंडेशंस के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, जहाँ पर आप अपना फ्यूचर और अपना बेस रेडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कलाभूमि आर्ट्स।